जहां तक तो इल्जामात की बात है तो वो लाजमी बात है कि जब भी कश्ती में जब छेद होते हैं, जब कश्ती डूबने के करीब जाती है तो हाथ पांव तो मारते हैं, हाथ पांव तो फिर वो चीखें भी निकलती हैं, हाथ पांव भी मारता है, फिर वो छलांगे भी लगती हैं। अभी तो चीखें निकल रही हैं, हाथ पांव मार रहे हैं, अभी तो छलांगों की तरफ इन्होंने जाना है कि इस कश्ती में से कौन कौन छलांगे लगाएगा और किस तरफ जाएगा, ये भी एक अनकरीब रुख बनने वाला है और सबको वजाहत नजर आ रहा है। आगाज तो हो गया जी, अब इसका अंजाम जब होगा तो वो यानी वो भी एक नजर आने वाली चीज है। मगर जहां तक है जी, अमेरिका का वो जो एक करारदाद पास हुई, तो एहसान साहब एक चीज मैं बड़ी वाजे करूँ कि ये ममालिक में जो भी पार्लियामेंटेरियन होते हैं वो बड़ा एक साख वाले होते हैं और उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, अपने नाम के लिए वो हमेशा लड़ते हैं जी, बाकी चीजें उनके आगे यानी वो दूसरी हैसियत रखती है, वो सेकंड में आती हैं, हमेशा सबसे पहले उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी होती है, अपनी साख होती है। अब कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि ये जो लीडरान है या ये जो पार्लियामेंटेरियन है ये वो बात करें जिसका वजूद ना हो, ये वही बात करेंगे जिसका वजूद होगा, जिसका जो एक वकुआ हो चुका होगा, जो यानी मामला ऐसा होगा कि जो सबको नजर शायद आ रहा होता है मगर उसपे कोई बोलना नहीं चाह रहा, तो तब ये जाके बोलते हैं। कभी भी इस तरह नहीं बोलेंगे जी कि जो हवा में बात हो, ये वाकयात हैं तो यानी इनका बोलना मोर लगाने के मुतरादिब है। मोर भी कह लें आप जी, चलें हम कह सकते हैं जी, अब उनका कितना किरदार उसमें है या क्या कितनी पावर उसमें हो सकती है या क्या उसमें असरात हो सकते हैं, मगर एक चीज है जी कि अक्वामे मुत्तहिदा की यानी यूएनओ की एक वर्किंग काउंसिल होती है, एक वर्किंग कमेटी होती है जिसका काम काफी गौर हुआ उसके बाद जाके कोई भी मामला जिसको उन्होंने हाईलाइट करना होता है, और ये जो मामला यूएनओ से आया है ये उनकी वर्किंग काउंसिल वर्किंग कमेटी से आया है जी, एक कमेटी बाकायदा बनी उसमें जाके फिर ये मामला आपको सारों को जोड़ा गया और उसको इकट्ठा किया गया, तो फिर जाके ये बयान या फिर इस तरह का कोई मामला सामने आया जिसमें उन्होंने भी कहा कि ये वहां पे मनमानी हो रही है, उन्होंने बहुत यानी आगे का लफ्ज कहा है कि वहां पे मनमानी हो रही है और खासतौर पे हमारे जो वहां के साबका प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान साहब, उनकी गिरफ्तारी के बारे में कि उसपे तो बिल्कुल ही कानून और उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कानून या आईन का कोई पास नहीं किया जा रहा और वहां कुछ अनासर हैं जिनकी अपनी मनमानी है या अपनी मर्जी है और उसी पे चल रहे हैं और उसी के तहत ये सारा कुछ हो रहा है। ये खासा एक सख्त लफ्ज है, खासा बड़ा लफ्ज है, ये बिल्कुल ऐसी चीज है जिसमें आपकी तरफ ये निशानदेही हो रही है, आपकी तरफ ये उंगली उठ रही है कि वहां पे उस गवर्नमेंट में उस मुल्क में जिसको एक बहुत बड़ी ताकत के तौर पे भी हम कहते हैं, एक सातवीं आठवीं ताकत भी कहते हैं, वहां पे ना तो कानून की हुक्मरानी है और ना आईन की कोई यानी वहां पे कोई वजूद है। ये बहुत सख्त है, बहुत खासा आगे की बात है और इसको बड़ी सीरियस देखना चाहिए, बड़ा सीरियस लेना चाहिए कि अक्वामे मुत्तहिदा जैसा अदारा जिसको हम बेशक बहुत सारी हमारे तहफात होंगे मगर फिर भी वहां से आवाज का उठना खासा हमारे लिए नुकसानदेह हो सकेगा और खासा नुकसान। खाना साहब जैसे कि अपनी हमारी कौमी असेंबली ने भी उनके खिलाफ करारदाद पेश कर दी ना, ये हमने एक अचंभे की बात देखी है एहसान साहब, मगर उसके साथ आप ये भी तो देखिए ना कि फौरी तौर पे उसे जो एम्बेसिडर है उसको बुलाया गया और फिर उसके साथ वही बातें तय हुई है जो किसी जमाने में यूसुफ रजा गिलानी साहब ने की थी जी, कि हम बोलते जाएंगे आप कोई मामला ना यानी आप इसको बिल्कुल सच्ची बात ना समझिएगा। और फिर बात है जी कि हमारी असेंबली की जिस असेंबली को वैसे ही वो कह रहे हैं कि ये असेंबली तो है ही नहीं, इसका वजूद ही नहीं, गैर कानूनी है, जिसको अमेरिकन कह रहे हैं जी कि गैर कानूनी असेंबली है, उसकी बात को क्या सीरियस लेंगे या किस हद तक उसका असर होगा, और फिर वो भी अमेरिका जैसे मुल्क पे। और मैं तो बल्कि ये कहूंगा जी कि इसमें ये बात नहीं है जी कि ये जो करारदाद आई है उस करारदाद की उनको जाती तौर पे मदद भी की गई होगी, जो हमारा हमेशा से वतीरा रहा है, हमारा हमेशा से जो एक चलन रहा है उसमें मदद की गई होगी, कहा गया होगा नहीं जी हमने तो ये एवे एवे खेल दिया है जी और कोई आप इसको सीरियस ना लेंगे।